उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हुक्का बार पर प्रतिबंध के बावजूद मुजफ्फरनगर में द्वारकापुरी मोड़ पर धड़ल्ले से चल रहे हुक्का बार व पुलिस ने छापा मारकर 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि हुक्का बार का संचालक फरार हो गया। पुलिस ने गिरफ्तार 5 युवकों को जेल रवाना कर दिया है। जानकारी के अनुसार थाना नई मंडी क्षेत्र में द्वारकापुरी मोड़ पर अवैध रूप से चल रहे हुक्का बार पर पुलिस ने छापा मारा और मौके से 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में 5 युवकों ने अपने नाम मोहम्मद सुहेल, मोहम्मद शान, हसीब अहमद, सुनील कुमार व अनमोल बताया है। पुलिस ने 5 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल रवाना कर दिया है। मौके से फरार हुए हुक्का बार संचालक की तलाश की जा रही है। चर्चा है कि हुक्का बार में से युवतियों को भी पकड़ा गया था, लेकिन उनके परिजनों के अनुरोध पर छोड़ दिया गया है। यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। कल शाम पुलिस को सूचना मिली कि मंडी क्षेत्र में एक रेस्टोरेंट में हुक्का बार चलाया जा रहा है। इस सूचना पर मौके पर पुलिस ने छापेमारी की और वहां से कुल 5 व्यक्ति मिले, उसमें से 3 संचालन में सहयोग करने वाले हैं और मुख्य मालिक हसीब मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है और इसमें अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। क्या बरामद हुआ है? इसमें से 5-6 हुक्के बरामद हुए और उससे संबंधित जो सामग्री होती है वो सारी बरामद हुई। क्या कार्रवाई की जाए सर उनके खिलाफ? इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और सुसंगत धाराओं में और इसमें कार्रवाई की जा रही है। ताजा और तेज खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, साथ ही लाइक और शेयर भी करें।